Hello students, I am Anshul Bharti, the director of Bharti Chemistry Classes. Today, we are going to discuss about the chapter number 15 of class 12th, Polymer. Basically, ये जो chapter है, marking scheme के हिसाब से 3 to 4 marks का board examination में आता है. Now, Polymer. The word polymer is coined from two Greek words, poly, जिसका मतलब होता है many, and mer, means होता है part. मतलब छोटे छोटे बहुत सारे पार्टों से मिलके एक बड़ा पार्ट या एक बड़ा मॉलिक्यूल जब बनता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं. पॉलीमर कैन बी डिफाइन एज द कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास 10^3 to 10^7 U. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास की रेंज 10^3 to 10^7 U के बीच में है. इससे ये क्लियर होता है कि ये जो भी मॉलिक्यूल बना है ये बहुत बड़ा होता है. एंड इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. एज पॉलीमर आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो उसका साइज भी बड़ा होता है. एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स. The small molecules which constitute the repeating structural unit in the polymer are called monomer units. Means, वो छोटे molecule जो बार बार repeat होके एक बड़ा molecule बनाते हैं उन small repeating units को हम monomers बोलते हैं. ये monomer एक दूसरे से जुड़ते हैं covalent bond से. जैसे कि भी आपने class 11th में पढ़ा है, covalent bond are those bond which are formed due to the mutual and the equal sharing of electron between the two bonded atom. The process of formation of polymer from the respective monomer is known as polymerization. उसे हम polymerization बोलते हैं. इसको हम example समझेंगे. Formation of polythene. Polythene एक बहुत general polymer है जो सभी लोग mainly इसे जानते हैं. इसका monomer unit होता है ethene. इथिन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, दो कार्बन होते हैं. तो ये जो इथिन है ये जब पॉलीमराइजेशन में जाता है और अपने आप को बार बार रिपीट करता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है इसे तब हम पॉलीथीन बोलते हैं. तो इथिन मोनोमर हुआ, पॉलीथीन पॉलीमर हुआ और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोला. एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 666. नाइलॉन 666 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियली यूज पॉलीमर है. इसके अंदर जो हमने मोनोमर यूज़ किए वो अलग अलग यूज़ किए. एक मोनोमर का नाम है हेक्सामिथिलीन डायमीन. ठीक है, अच्छा आप गौर करेंगे इसमें लिखा है नाइलॉन 66. अब ये नाइलॉन 66 क्यों यू बोलते हैं तो इसका आप सिग्निफिकेंस देखिए कि हेक्सामिथिलीन डायमीन जो है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वहाँ कितने हैं, 6 हैं. और जो एडिपिक एसिड है उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम आप देख सकते हैं, CH2 के 4 और एक CWH का लेफ्ट में और एक CWH का राइट में. दैट्स वाई ये नाइलॉन 666 है. जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है नाइलॉन 66. फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर. फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर का मतलब क्या है. बाय फंक्शनलिटी वी मीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट इन अ मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी मोनोमर में कितनी बॉन्डिंग साइट है वो फंक्शनलिटी है. फॉर इंस्टेंस द फंक्शनलिटी ऑफ इथिन प्रोपीन एक्राइलोनाइट्रोल इज 1, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल एक ही साइड से रिएक्ट करता है. जबकि एडिपिक एसिड 1,3-ब्यूटाडाइन एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन इज 2 बिकॉज दे कैन बॉन्ड एट 2 पोजिशन विथ अदर मॉलिक्यूल. एक बार हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं प्रीवियस से. जैसे हमने आपको बताया कि इथिन है, इथिन का जुड़ने का एक ही साइट है और वो है डबल बॉन्ड, इसीलिए इसकी फंक्शनलिटी है 1. लेकिन जब हम नाइलॉन 66 बनाने जाते हैं तो हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड जो रहता है उनकी फंक्शनलिटी है 2. देखिए एडिपिक एसिड राइट हैंड साइड से OH से जुड़ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से OH से जुड़ सकता है. हेक्सामिथिलीन डायमीन लेफ्ट हैंड साइड से H से जुड़ सकता है और राइट हैंड साइड से भी H से जुड़ सकता है. कहने का मतलब सिंपल सा यह है कि अगर उसकी बॉन्डिंग साइट 2 है तो उसकी फंक्शनलिटी 2 होगी और अगर उसकी बॉन्डिंग साइट 1 है तो उसकी फंक्शनलिटी 1 होगी. नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. क्लासिफिकेशन पॉलीमर के बहुत अलग अलग
टाइप के हैं। लेकिन जो पहला क्लासिफिकेशन आप पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि सोर्स, सोर्स का मतलब यह है कि कहाँ से हमने उसे डिराइव किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तीन प्रकार के पॉलीमर होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या है? नेचुरल नाम से ही पता चलता है, प्लांट्स और एनिमल से रिलेट होगा। तो दीज आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल, एग्जाम्पल्स सेलुलोज और स्टार्च, पॉलीमर है ग्लूकोज के। इसे अंडरलाइन करके ध्यान रखें, सेलुलोज स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज के, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। प्रोटीन पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का, नीट एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रबर पॉलीमर है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नेम है 2-methyl-1,3-butadiene एंड रेजिन। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट विच आर प्रोटीन एंड दस दे आर ऑल्सो पॉलीमर। एंजाइम को भी हम पॉलीमर की कैटेगरी में रख सकते हैं, दे आर कंसिडर एज बायोकैटलिस्ट। द सेकेंड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नाउ व्हाट डू मीन बाय सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? अब सेमी सिंथेटिक का मतलब यह है कि कंप्लीटली मैन मेड नहीं है, मतलब है तो नेचुरल लेकिन इसका केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया है। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोज डेरिवेटिव्स एज अ सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोज एसिटेट, जिसे हम रेयन भी बोलते हैं। सेलुलोज जैसे कि आप जानते हैं नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसका केमिकल मॉडिफिकेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 देन सेलुलोज एसिटेट बने। सेलुलोज एसिटेट इज यूज इन मेकिंग थ्रेड्स, फिल्म्स एंड सनग्लासेस। सेलुलोज एसिटेट एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि थ्रेड्स में, फिल्म्स बनाने में या सनग्लासेस बनाने के काम आता है। तीसरा पॉलीमर है सिंथेटिक पॉलीमर। दीज आर पॉलीमर दैट आर यूज इन डे टू डे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। ये वो पॉलीमर है जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एग्जाम्पल है इसका प्लास्टिक जो बहुत फेमस पॉलीमर है, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर नायलॉन 66 एंड सिंथेटिक रबर ब्यूनास एक्सेट्रा। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स आर टोटली मैनमेड, ये नेचुरली ऑब्टेन नहीं होते हैं, ना तो इसका केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन था पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। थैंक यू।